नमस्कार दोस्तों, आप देखेंगे आजकल हमारे लिवर डिजीजेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट अदर ऑर्गन्स, बट वी आर नेग्लेक्टिंग द मेजर ऑर्गन व्हिच इज लिवर. सो आज वर्ल्ड लिवर डे के दिन हम डॉक्टर लवकेश से बात करेंगे, हु इज लिवर स्पेशलिस्ट इन मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका. सो लिवर के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है. If we talk about heart, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज होती है. लिवर जो कि सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे पूरे बॉडी में, लोगों को उसके बारे में इतना नहीं अवेयरनेस है. सो आज हम उसके बारे में आपसे कुछ बात करना चाहेंगे. You're absolutely right in that कि लिवर की बीमारियां भी काफी बढ़ रही हैं और लिवर के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता. ये तक नहीं पता होगा कि लिवर है का. तो बेसिकली इट इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द बॉडी. हम उससे बड़ा कोई ऑर्गन नहीं है और ये राइट साइड में, राइट ऊपर, राइट अपर एब्डोमेन में ये लोकेटेड होता है. इम्पॉर्टेंट ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे बॉडी के लगभग जो भी काम आप सोच सकते हैं वो सब लिवर करता है. इट इज द मास्टर रेगुलेटर. सबसे कॉमन जो सबको पता है कि पाचन में इसका रोल है, डाइजेशन में इसका रोल है, तो ऑफकोर्स इट हेल्प्स इन डाइजेशन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मेनी अदर रोल्स, जैसे कि इन्फेक्शन. बॉडी में कभी जब भी इन्फेक्शन आता है सबसे पहले जो डिफेंस के लिए खड़ा होता है वो लिवर होता है. ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन करना, काफी सारा माना जाता है इसको ब्लड शुगर हो गया, इसको पैंक्रियास की प्रॉब्लम होता हो गया, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता कि इट इज द लिवर विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल्स. अपार्ट फ्रॉम दैट हॉर्मोन्स है हमारी बॉडी के काफी सारे जो ये बनाता है. बाइल एक होता है, जूस होता है जो लिवर प्रोड्यूस करता है, और जो फैट का डाइजेशन होता है पर्टिकुलरली वो इस बाइल की वजह से ही होता है. काफी सारे डिजीजेस हैं जैसे गॉलस्टोन्स की डिजीजेस हैं, पीसीओडीज हैं, ये सब लिवर की वजह से होती है. और डिस्पाइट बीइंग सो इंपॉर्टेंट, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड, जैसे हमारे हमने कोई भी दवाई खाई, इवन वो दवाई की सबसे पहले जाके मेटाबॉलिज्म उसका लिवर में ही होता है. तो कोई भी इंजुरी होगी अगर लिवर में, तो वो इतनी ज्यादा जब फंक्शंस बॉडी प्ले कर रही है, लिवर प्ले कर रहा है, तो अगर लिवर में कुछ भी इन्फेक्शन हुआ तो वो बहुत जल्दी पूरे बॉडी में फैल सकता है, बहुत खराब कर सकता है. इम्पॉर्टेंट ये चीज है कि लिवर की रीजनरेटिव कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है. जैसे छिपकली की पूंछ है, अगर वो कट जाए वो बहुत जल्दी ग्रो करके नॉर्मल हो जाती है. द सेम थिंग होल्ड्स ट्रू फॉर लिवर, वो भी ग्रो कर जाता है अगर उसको एक्यूट इंजरी होती है, मतलब थोड़ी इंजरी हुई वो ठीक हो जाता है. लेकिन अगर ये इंजरी बार बार होती चली जाए तो लिवर परमानेंट डैमेज हो जाता है, फिर उसमें वो रीजनरेट करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है और फिर वो एक लिवर फेलियर का रूप ले लेता है जो कि जानलेवा हो सकता है. अभी जो WHO के क्राइटेरिया है उसमें इसको 10th मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ डिक्लेयर किया गया है लिवर डिजीजेस को, और इंडिया में हर 5 में से एक व्यक्ति को लिवर डिजीजेस होती है. तो यू आर राइट कि लिवर के बारे में जानना जरूरी है और उसका ध्यान रखना भी जरूरी है. लेकिन अभी के लिटरेचर में हर ओवर, ऑल ओवर इन नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, सब जगह से लिटरेचर ये आया है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज इज नाउ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर डिजीजेस ऑल ओवर. अल्कोहल का एक ऑफकोर्स एक मात्रा है कि इतना अमाउंट फीमेल्स में, इतना अमाउंट मेल्स में लेना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट लिटरेचर ये आ रहा है कि इवन बिंज ड्रिंकिंग इज मोर डेंजरस, इट इज इक्वली और अदर मोर डेंजरस दैन अ क्रोनिक अल्कोहल कंजम्पशन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, जिसको हम कॉमनली फैटी लिवर बोलते हैं. ये बहुत कॉमनली, बहुत इंक्रीजिंगली प्रेवलेंट हो रहा है. इसमें डायबिटीज नॉर्मली जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसमें अराउंड 30% पॉपुलेशन, दैट इज 1 in every 3 इंडिविजुअल विल हैव फैटी लिवर. और अगर कोई हाई रिस्क ग्रुप है, यानी कि जिसको मोटापा है, जिसको शुगर है, या जिसका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड खराब है, उन सब में इसका प्रेवलेंस जो है अराउंड 80-90% हो जाता है. और इनिशियली जब फैटी लिवर होगा तब तक कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे मैंने बताया जब वो क्रॉनिक हो जाता है तो इससे पूरा लिवर खराब हो सकता है. एंड थर्ड जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस 5 टाइप का कॉमन वायरल हेपेटाइटिस होता है, A, B, C, D और E, जिसमें से हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो है वो क्रॉनिक हेपेटाइटिस करते हैं, और जो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई है वो खराब खाने पीने की वजह से होता है, और यूजुअली दे कॉज एक्यूट हेपेटाइटिस जो कि अपने आप ठीक हो जाता है. कुछ ही लोगों में उससे लिवर फेलियर हो सकता है और उस केस में ऑफकोर्स अर्जेंट ट्रांसप्लांट तक की जरूरत पड़ सकती है. अपार्ट फ्रॉम दीज कॉजेस
there's entity called drug induced liver injury, जिसमें आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे supplements बहुत लेते हैं, even protein supplements हो गए, steroids लेते हैं body building के लिए, और even कुछ देसी medications भी. आप देखें कि body को recover करने के लिए कई लोग ये भस्म वगैरह लेना शुरू कर देते हैं. ऐसे नहीं कि सब खराब होते हैं, लेकिन जिसके बारे में हमें नहीं पता, जो over the counter या बाहर किसी भी quacks वगैरह से मिलते हैं, they are very dangerous and they should not be taken as well. Other rare causes being autoimmune, जिसमें autoimmune hepatitis, primary biliary cirrhosis, etc. ये सब होता है. Okay, and sir, I mean, symptoms के बारे में कुछ बताइए. छोटी-मोटी चीजें होती हैं जो लोग neglect कर देते हैं. But what are the major symptoms जिससे हमें पता चल सके कि कुछ liver को affect हुआ है हमारे? देखिए, यही important है कि liver की ज्यादातर बीमारी को silent killer बोलते हैं. Silent killer, क्योंकि initially कुछ symptoms होते ही नहीं. और जब सिम्टम्स आते हैं तो लिवर काफी डैमेज हो चुका होता है. जो एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, यानी कि एक्यूट लिवर इंजरी जिसमें होता है, जैसे एक्यूट जॉन्डिस हुआ, उसमें पेशेंट को भूख ना लगना, जॉन्डिस, थकावट रहना, ये सब होता है. लेकिन जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जो कि अल्कोहल की वजह से हो गया, फैटी लिवर की वजह से हो गया, या हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से हो गया, उसमें स्टार्टिंग में कोई सिम्टम्स नहीं आएगा. और अगर आएगा तो बहुत ही वेक सिम्टम्स, नॉन स्पेसिफिक, जैसे कि पेट में फूला रहना, ब्लोटिंग होना, भूख किसी किसी में कम होना, थकावट रहना, पेट का ठीक तरह साफ ना होना, ये सब नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है. और जब सिम्टम्स आएंगे तब लिवर सिरोसिस हो चुका होता है. लिवर सिरोसिस मतलब होता है कि लिवर का डैमेज होते होते वो सिकुड़ गया है, वो छोटा हो गया, परमानेंट डैमेज हो गया, उसको हम सिरोसिस बोलते हैं. उसमें हमको दूसरी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, जैसे जॉन्डिस हो सकता है, पेट में पानी आ सकता है, पैरों में सूजन आ सकती है, खून की उल्टी हो सकती है, गफलत में जा सकते हैं. एंड बट दीज आर ऑल एंड स्टेज लिवर डिजीज सिम्टम्स. और जब एक बार ये हो जाए तो यानी कि आपको समझ लेना है कि लिवर पूरी तरह नॉर्मल नहीं हो सकता. कोई ऐसे सिम्टम्स हो तो वी शुड नॉट अवॉइड दैट एंड कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर इट, राइट? ओके. एंड सर, आप कुछ टिप्स दीजिए जैसे कि ये क्योर हो पाए, एंड व्हाट इज द लाइफस्टाइल, व्हाट वी कैन डू. प्रिवेंशन बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार जब सिम्टम्स आने लग जाए तो लिवर इतना खराब हो जाता है कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और उस केसेस में सिर्फ ट्रांसप्लांट चाहिए, जो कि एक नॉर्मल इंडियन पॉपुलेशन में देखें तो लेस देन 1% पीपल कैन अफोर्ड इट, बोथ बिकॉज ऑफ द सोशल रीजन, फाइनेंशियल रीजन एंड इकोनॉमिक अदर रीजंस. सो अगर हमको ये पता हो कि हम उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, दैट वुड बी बेटर. तो फर्स्ट most important is of course alcohol abstinence, jo ki alcoholic. ek bar agar pata chal jaye ki alcohol ki wajah se liver mein koi kharabi aa rahi hai, to even one drop of alcohol is dangerous, we can't even allow that much. theek hai, otherwise jo pehle tha hum kehte the ki 2 pigs in a day ya in a week, ab aajkal week ka criteria aa raha hai, but personally what I say ki it's better to avoid alcohol in any form, and we should restrain ourselves and particularly avoid any sort of binge drinking. Second, for lifestyle modification. Now, this is particularly holds true for your fatty liver, जिसमें weight reduction का बहुत important role है. Weight reduction के लिए दो चीजें चाहिए, एक regular exercises, दूसरा क्या हम खा रहे हैं. Regular exercises में at least 45 minutes का regular walk या exercise चाहिए, चाहे वो aerobics हो, चाहे resistance training हो, कुछ भी हो, लेकिन वो हमको इतना करना है कि उसके बाद आपको पसीना आना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा बहुत वॉक किया और आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन हुआ, लेकिन बॉडी इज नॉट गिवन फॉर दैट मच ऑफ कैलोरी बर्न. ओके. एंड खाने में हमको बेसिकली कार्ब्स अवॉइड करने, ठीक है, उसमें हमको जंक फूड, जो आजकल बच्चों में स्पेशली आप हमें देख रहे हैं, काफी काउच पोटैटोज हो गए हैं या जंक फूड लेते हैं, तो इन सबको बिल्कुल बचपने से ही उनको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर एक बार बॉडी में वो सब चीजें डेवलप हो गई तो इवन बड़े होकर अगर वो अवॉइड करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा. फाइबर्स का मात्रा इंक्रीज करनी है बॉडी में. और थिंग्स व्हिच वी कैन हैव जिससे हमारा इंपॉर्टेंट यही है कि एक तो हल्दी अच्छा होता है लिवर के लिए, तो हल्दी रेगुलर लें, फाइबर्स की मात्रा इंक्रीज करें, फ्रूट्स अप लें, और मेन यही सब आएगा, ठीक है, और एक्सरसाइज हुआ. तीसरा आ गया हेपेटाइटिस, जिसके बारे में मैंने बताया, वायरल हेपेटाइटिस. हमारे देश में हेपेटाइटिस बी सेकेंड मोस्ट कॉमन थ्रू आउट द वर्ल्ड, और हेपेटाइटिस सी भी 50 से 1000 मिलियन पॉपुलेशन एवरी ईयर गेट इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस सी, तो इनको प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है, वैक्सीनेशंस अवेलेबल है फॉर हेपेटाइटिस ए एंड बी, पर्टिकुलरली बी इंपॉर्टेंट है. अभी हमारे
जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसी में अवेलेबल है। 3 वैक्सीनेशन की डोज होती है एट बेसलाइन, फिर 1 महीने के बाद और 1-6 महीने के बाद। हर आदमी को, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, उसको ये 3 वैक्सीनेशन की डोजेस जरूर लगनी चाहिए। बहुत इजीली इससे हम हेपेटाइटिस बी से अपने आप को बचा सकते हैं। उसके अलावा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, दे आर वेरी कॉमन सोर्सेज। आजकल सोर्स लेवल पे ही उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, बट मेक श्योर कि वो प्रॉपर जगह से लिया जाए। फिर जो शेयरिंग है टैटूज का, नीडल्स का, जो इंजेक्शन ड्रग यूजर्स, हमने सुना होगा उड़ता पंजाब, जिसमें पंजाब में काफी ज्यादा कॉमन हो गया था हेपेटाइटिस सी, दैट वाज ऑल बिकॉज आईवी ड्रग यूजर्स बहुत बढ़ गए थे। तो ये सब चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, कोई किसी प्रकार का कोई भी नीडल्स, रेजर्स और इंजेक्शंस शेयर नहीं होने चाहिए। हॉस्पिटल में जैसे हम काम करते हैं, हमारे यहाँ पर होता है, लेकिन कुछ जो ग्रास रूट लेवल पे, जो हमारे रूरल एरियाज में होता है, उसमें कई बार ये लोग कॉमन शेयरिंग कर देते हैं, जिससे कि पूरा गांव का गांव, हमारे पास एग्जांपल्स आए हैं जिसमें इनको हेपेटाइटिस बी या सी हुआ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ड्रग इंड्यूस्ड लिवर इंजरी के बारे में, तो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। दवाई जब भी ली जाए, जो भी ली जाए, हमेशा डॉक्टरी परामर्श से लेनी चाहिए और उनकी निगरानी में रहनी चाहिए, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो एक बहुत ही सिंपल चीज है जो हम इंडियन आयरन लोग क्यों फॉलो नहीं करते, कि एक रेगुलर स्क्रीनिंग करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी से हम बिफोर द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स हम डिजीज को पकड़ सकते हैं। लिवर के लिए ऑफकोर्स लिवर फंक्शन टेस्ट है, लेकिन हमारे पास और एक अच्छा टूल है जिसको हम फाइब्रोस्कैन बोलते हैं। इस फाइब्रोस्कैन से हम लिवर में कितना सूजन है, कितना सिकुड़न है, ये पकड़ सकते हैं। तो ये भी अपने को डॉक्टर के पास जाएंगे, दे विल डेफिनेटली प्रिस्क्राइब। ऐसा कुछ नहीं कितना फ्रीक्वेंसी है, बट एटलीस्ट हमको एक पता होना चाहिए, और यू कैन डू इट ईयरली। ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि इतने में ही है, बट हाँ, जो हाई रिस्क पीपल है, दे मे रिक्वायर इट मोर। And the last and the most important is, जब भी कुछ हो, हमें तुरंत एक लिवर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और उसी के एडवाइस पे हमें दवाई लेनी चाहिए। डॉक्टर खुद नहीं बनना चाहिए। So my today's mantra would be that love your liver and love your life.